हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे है और मेरा आज का वीडियो स्पेशली मदर्स को डेडिकेटेड है। व्हेन आई वाज वेरी यंग, 1982 में एक मूवी आई थी मासूम, और उस मासूम पिक्चर का एक गाना है जो मेरी मम्मी बहुत गुनगुनाती थी, और मुझे वो गाना समझ नहीं आता था ये गाना क्या है। और लेकिन आज जब मैं मम्मी बन गई हूँ तो ये गाना मुझे बहुत समझ आने लगा है, और स्पेशली जो ये सिचुएशन चल रही है तो ये गाना परफेक्टली फिट होता है। सो इस गाने को सुनते हैं और साथ साथ में बात करते हैं। सो हियर इज सॉन्ग। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। हैरानगी तो हो रही है आज, जब पूरा विश्व, पूरा भारत, हर कोई इतना बिज़ी था, हर कोई अपने काम में चल रहा है, हर कोई अबाउट टू टेक ऑफ जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन सडनली एक स्टॉप लग गया है। बिल्कुल वही सिचुएशन है। आपने कभी किसी छोटे बच्चे से, या जब हम छोटे थे तो हमसे किसी ने कोई ना कोई एक ऐसी शरारत है जो सब करते हैं, बच्चा खड़ा होता है और धीरे से यूँ करते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं हम, और बच्चा यूँ परेशान होता है, मुझे किसने छेड़ा, कहाँ छेड़ा, और हम उसको हंसते हैं। वही सिचुएशन हमारी है। कुदरत ने, भगवान ने एक ऐसा झटका दिया है हम सबको कि हम सब हैरान हो गए कि हुआ क्या, कैसे हुआ। आज 1.5 महीना हो गया है और हम सब लोग थम से गए हैं, अंदर हैं, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम एक्टिवली कर रहे हैं। सो लिसन दिस सॉन्ग फर्दर। मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। एग्जैक्टली, हमने कुदरत को इतना परेशान किया कि अब उसका कर्ज उतार रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, जगह जगह जितने पेड़ पौधे हैं उनको कट करके बिल्डिंग्स बन गई, और तो और नीचे धरती को डिग करके क्या अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही हैं, कहीं छोड़ा ही नहीं था इंसान ने। सो अब वो उसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ ही रही है, कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। एक बात आपको और अच्छे से याद होगी, या अभी भी हम लोग उसमें बिलीव करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं या कोई एक छोटा बच्चा बहुत गिगल कर रहा होता है, बड़ी मस्ती करता है, तो हम कहते हैं अरे रोको इसको, नज़र लग जाएगी, बहुत हंस रहा है, आज ये रोएगा, अरे बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, हे भगवान सब ठीक रखना, किसी की नज़र ना लगे। क्योंकि सबको पता है सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, जहाँ गुलाब का फूल है वहाँ कांटे भी हैं। सो वही सिचुएशन है। सो इस समय बहुत ही एक परीक्षा का समय चल रहा है हम सबका। हम अपनी मुस्कुराहट के कर्ज उतार रहे हैं, सो रिपेयरिंग हो रही है, तो जब कुदरत रिपेयर कर रही है, सो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम टू रिपेयर आर सेल्फ। आपको याद होगा मेरा पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी गान, ज्ञान और ध्यान की। क्यों ना आज मदर्स डे पे आप अपनी मम्मी का एक फेवरेट सॉन्ग पूछें और उस सॉन्ग का मीनिंग निकालें,
और मम्मी का फेवरेट सॉन्ग क्यों बच्चों का फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है, या एक फैमिली सॉन्ग क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। चलो गाना आगे सुनते हैं। आंसू बहुत कीमती होते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो छलकते ही हैं। खुशी के आंसू, दुख के आंसू, माँ जब बनती हैं तब भी खुशी होती है, बच्चा जब रोता है माँ तब भी परेशान होती है, बच्चों की खुशी में भी आंसू निकल के आते हैं। सो माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको बयां ही नहीं किया जा सकता। माँ के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, माँ के लिए कोई तुलना नहीं है, और इस धरती पे जो भी है वो एक माँ की वजह से है, राइट। सो माँ कैसी है, माँ के लिए कोई बात ही नहीं है। अभी 5 साल पहले मदर्स डे पे मेरे बच्चों ने मुझे एक आर्ची से बहुत सुंदर कैलेंडर गिफ्ट किया था, जिसमें 100 reasons why I love my mom, दैट्स थैंक यू वेरी मच। और आप मानोगे, हर साल मैं इसको निकाल लेती हूँ मदर्स डे से एक दिन पहले, और मैंने कल इसको निकाल लिया था। सो आई थिंक माँ जो है माँ है। सो आज मदर्स डे पे मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, फाइंड आउट योर फैमिली सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। और फैमिली सॉन्ग क्या हो सकता है, मे बी इट्स अ आरती, ओम जय जगदी जो हम अपने घर पे करते हैं, मे बी स्कूल की प्रेयर। आपको याद होगी स्कूल की प्रेयर भी जो आप लोग गाते थे, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, या कोई ऐसा श्लोक जो पूरी फैमिली को याद हो, फिर वो चाहे ओम भूर्भुवस्व क्यों ना हो। सो इस मदर्स डे पे फाइंड आउट योर फैमिली सॉन्ग, योर मदर्स फेवरेट सॉन्ग, एंड चलते चलते अब इस गाने को फिनिश करते हैं। सो परेशान नहीं होना, और ना ही बहुत सारे सवालों के जवाबों को ढूंढना है। सवाल होंगे तो जवाब मिल ही जाएंगे, और जो जवाब नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो। पास्ट से लर्निंग लो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, और फ्यूचर की प्लानिंग करो। आज तो प्लानिंग भी हमें नहीं मालूम कहते हैं, और कहते क्या, ये तो पक्का ही है, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। कल भगवान ने क्या डिस्पोज करना है, लेकिन हमें प्लानिंग तो अपने हिसाब से करनी ही है। सो जंप स्टार्ट करने के लिए ये लॉकडाउन के पीरियड में, ये कोरोना वायरस के पीरियड में, अपने आप को, अपनी माँ की बातों को याद करके, और मदर को एक प्यारा सा हग देके, दूर है तो भी पास है तो भी माँ तो आपके अंदर है। आज मेरी मदर को गए हुए 22 साल हो गए हैं, लेकिन आई फील हर हेयर, हमेशा मेरी माँ मेरे साथ है। सो हैप्पी मदर्स डे, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू नेक्स्ट वीक विद न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी मदर्स डे।